और ये तो मतलब ऐसा है कि सोफा लेके चल रहे हो सही में। वेलकम बैक टू फ्रेश ब्लॉग भाइयों, कैसे दोस्त साहब, आशा करता हूँ बढ़िया ही होगे। तो भाई जैसे तुम देख रहे हो इस समय आ चुका हूँ भाई नोएडा सेक्टर 63 वाले जो है सर्विस सेंटर पे आया था वैसे तो। तो भाई यहाँ पे क्या है मेरा मेन रीजन जो है ना, सामने आप देख रहे हो टाइटल पे आपने पढ़ लिया होगा भाई, KTM की सबसे जो चीपेस्ट एडवेंचर टूरर है भाई उसका मैं रिव्यू करूंगा आज मैं। पहले इसके बारे में थोड़ा मैं वॉकअराउंड दे देता हूँ कि बाइक में क्या क्या फीचर आपको मिल जाते हैं और मतलब क्या क्या आप बाइक ऑफर कर रही है आपको, 2,90,000 के अराउंड पड़ेगी बाइक आपको मतलब चीजें। तो पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं फिर बाइक का राइड रिव्यू करेंगे। तो भाई देख जैसे कि आप देख सकते हो पूरी फेयरिंग इसकी जो है ना एडवेंचर टूरिंग है, थोड़ी हाई अपसाइड हाइट थोड़ी इसकी ज़्यादा रहती है बाइक की, ऑब्वियसली बात है भाई एडवेंचर टूर है तो हाइट तो रहेगी रहनी है खैर। तो भाई देखो सबसे पहले इसके बड़े बड़े व्हील्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखो यार एडवेंचर टूरर बाइक जिन भाइयों को नहीं पता एडवेंचर टूर क्या किस कैटेगरी की बाइक होती है, क्या होती है स्पेशली डिजाइन फॉर एडवेंचर, मतलब समझ रहे हो इन्हें लो और बाइक पे बैठो मतलब चल दो बस समझ रहे हो पहाड़ों की लंबी लंबी वादियों में, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, एकदम अच्छी खासी हाइट मिल जाती है आपको, व्हील बेस भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है और सिटिंग हाइट तो आप देख रहे हो ठीक है। तो मतलब हाई बम्स वगैरह पे बड़े बड़े गड्ढे वड्ढे पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो सामने आपको डब्ल्यूपी एपेक्स का सस्पेंशन मिल जाता है जो कि अपसाइड डाउन फोक्स वाला है और ये आपका मोनोशॉक एब्जॉर्बर है पीछे ठीक है। और आपके जो ये इसका जो डिस्क ब्रेक है ना आपको ये 390 वाला ही मिल जाता है। तो भाई यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अब सीधा बाइक पे मैं बैठता हूँ और आपको दिखाता हूँ एक्चुअली बाइक चलने में कैसी है, प्रैक्टिकली आपको बताऊँ बाइक पे ही कि क्या क्या चीज़ें मैं फील कर पा रहा हूँ, क्या क्या आप इसमें आपको फीचर मिल जाते हैं। तो मिलते हैं आप सीधा बाइक पे। तो भाई इस समय थोड़ा मेरे को जुकाम हो रहा है तो बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ माइंड मत करना। तो भाई इस बीस को लेके हम आ चुके हैं भाई सड़कों पे, वट है भाई बिग बाइक यार, सच में बहुत बड़ी बाइक है यार, मतलब तुम इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख ही पा रहे होगे यहाँ पे सामने एडवेंचर टूरर की, यार सच में बात अलग है। मैं तो भाई फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ देखो फ्रेंकली बताऊँ आपको, तो मेरे लिए तो काफ़ी एकदम नया एक्सपीरियंस है सच बताऊँ तो। यार सबसे पहले भाई बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, ये बात करते हैं भाई देखो सामने एकदम बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिख रहा है, ये एक्चुअली क्या है LCD डिस्प्ले है, TFT नहीं है, ये जो 390 आती है ना एडवेंचर टूरर इसमें देखो ये है 250 वाली ठीक है, ऐसी 390 भी आती है वो उसमें TFT स्क्रीन मिलती है आपको, जो आपको ड्यूक 390 में मिलती है वो वाली सेम टू सेम कलर डिस्प्ले है वो, और उसमें इन्फॉर्मेशन थोड़ी आपको ज़्यादा देखने को मिल जाती है। इसमें क्या सीन आपका TFT का मतलब ये जो आपको ड्यूक में मिलती है सिंपल और RC में मिलती है वो वाला है, बट इन्फॉर्मेशन कंपेटिवली उनसे ज़्यादा मिलेगी आपको, ऐसा नहीं इन्फॉर्मेशन कम मिलेगी। इधर चलते हैं सीन कुछ ऐसा, देखो इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है, RPM दिख रहा है बड़ा सा आपको, स्पीड तो सामने दिख ही रही है, प्लस गियर इंडिकेशन मिल जाता है आपको, ये ट्रिप हो गया आपका ठीक है, एवरेज स्पीड हो गई, टाइम हो गया, ये सारी चीज़ें नॉर्मल है बेसिक वो देखने को मिलता है। और स्टार्टिंग में जब बाइक स्टार्ट करोगे तो ABS लिखा है, इट मीन्स ABS वर्किंग। थोड़ा सा भगाते हैं इसे थर्ड गियर में भाई, ओ भाई सच में एक्सपीरियंस तो काफ़ी अच्छा है बाइक का नो डाउट, वैगन ऑसम। देखो यार फ्रेंडली अगर मैं बताऊँ ना परफॉर्मेंस इसकी अगर देखी जाए इंजन के हिसाब से, जैसे कि आपको इंजन स्पेक के बारे में बात करूँ तो आपको भाई 30 PS की पावर मिलती है और 24 Nm का टॉर्क मिलता है इसमें, वही सेम 250 जो ड्यूक 250 में इंजन होता है वही इंजन इसमें लगा दिया गया है, बस इसकी चेसी जो है आपकी एडवेंचर वाली कर दी है सेम टू सेम, जो एडवेंचर 390 की है वही सेम जैसे मिलती है इसमें आपको। तो यार क्या सीन है देखो ऑब्वियसली बात है यार जब आप इंजन आपने छोटा कर दिया तो भाई आपको वेट भी थोड़ा कम करना चाहिए तभी परफॉर्मेंस निकल के आएगी, तो वेट एकदम पूरा इसका वही है सेम टू सेम, बट इंजन थोड़ा सा जो है कम कर दिया, कम पावर कर दिया, तो इसमें थोड़ा ना आपको पावर मतलब कहूँगा वो वाला जर्क नहीं मिलेगा जो आपको 390 एडवेंचर में मिलता है, वो वाला इसमें जर्क नहीं मिलेगा, बट हाँ डिसेंट प्राइस में मतलब एक एडवेंचर टूर बाइक, अच्छी एडवेंचर टूर बाइक चाहिए तो वो भाई अनडाउटेडली इस बाइक को खरीद सकता है। हालांकि बल्कि मैं ये कहूँगा जिसको एडवेंचर टूरों का इतना कोई शौक़ नहीं है और उस पर मतलब जैसे कि भाई देखो तुम्हें बता देता हूँ मैं, 2,90,000 की ऑन रोड पड़ेगी अप्रोक्सी आपको, और जो ड्यूक 250 वगैरह है आपकी वो इससे सस्ती पड़ती हैं, तो अगर आपको एडवेंचर टूरों का सच कोई शौक़ नहीं है तो आप ड्यूक 250 ले लो ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको ज़्यादा पिकअप मिलेगा, ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी आपको ठीक है, तो सब कुछ बढ़िया मिलने वाला है। और ऐसे नहीं कि उसमें टूरिंग नहीं कर सकते, टूरिंग भी आप उसमें बहुत आसानी से कर सकते हो, बहुत लोग करते हैं ड्यूक की टूरिंग, कोई नई चीज़ नहीं है इनफैक्ट, बल्कि एडवेंचर वगैरह तो सीरीज अभी आई है KTM ने अभी लॉन्च करी है, ड्यूक तो बहुत टाइम से चल रही है पहले एंड लोग काफ़ी टाइम से ड्यूक पे टूरिंग कर रहे हैं, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। यार अपने भाई को देख लो मैं RC पे टूरिंग कर लेता हूँ भाई, ड्यूक तो तब भी बहुत कंफर्टेबल है यार, और ये तो मतलब ऐसा है कि सोफ़ा लेके चल रहे हो सही में। सच में ऐसा लग रहा है सोफ़ा पे बैठे हुए भाई अपना मस्त चला रहे हो, एकदम वाली कम्फर्ट जोन मिल रहा है आपको, खैर मिलना भी चाहिए यार, चीज़ बनाई इसलिए गई है मशीन। देखो मज़ा तो यार आ रहा है सच में भाई, आई एम रियली एंजॉयिंग इट, राइड ले लेता हूँ।
यार अगर ब्रेकिंग वगैरह सस्पेंशन वगैरह की बात करूँ तो देखो जहाँ तक मैं फील कर पा रहा हूँ थोड़ा सा इसका ना मेरे को सॉफ्टर साइड पे सस्पेंशन लगता है, हल्का सा सॉफ्टर साइड पे लग रहा है, क्योंकि यार देखो ये चीज़ होना भी चाहिए एडवेंचर टूरिंग बाइक में। क्या होता है आपका, आपको मेनली ऑफ रोडिंग के परस्पेक्टिव से बनाई जाती हैं वाली बाइकें, तो इनके जो टायर्स वगैरह होते हैं चंगे टायर्स होते हैं मोटे मोटे हैं, और आपको सस्पेंशन सॉफ्टर साइड पर होता है ताकि आपको बम्स वगैरह इतना फील ना हो, तो वो चीज़ ज़रूरी भी है। और ब्रेकिंग की बात करें तो भाई दोनों इसमें ABS मिल जाता है, दोनों फ्रंट में भी बैक में डुअल चैनल ABS जैसे हम कहते हैं, और डिस्क साइज वही है जो आपको ड्यूक 390 में मिलता है, अर्थ 390 मिलता है, वही सेम डिस्क साइज मिलता है आपको। तो ऐसा कुछ नहीं है, मतलब फिजिकल कंपोनेंट्स में कहीं भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करा गया, भाई एक नंबर बनाई है। यार KTM की है तो ऑब्वियसली बात है KTM अपनी क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, कोई सी बाइक निकाले हो, चाहे उसने ड्यूक 125 निकाले चाहे RC 125 निकाली, तुम्हारे भाई पे RC 125 है तुम लोग ऑलरेडी पता ही है। यहाँ से यू टर्न लेते हैं और भाई रोड प्रेजेंस काफ़ी अच्छी है बाइक की, सही में लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, क्योंकि यार एक्चुअल में काफ़ी बड़ी बाइक है। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जो मेरे शॉर्ट राइडर भाई हैं, जैसे मेरी हाइट है 5 feet 4 inches के अराउंड है, तो मेरे जो है ना बस जो है नहीं लग पा रहा, मतलब ज़मीन पे वो एक पैर का लग पा रहा है, तो काफ़ी दिक्कत हो रही है मेरे को मतलब हैंडल कर रहे हैं बाइक को, ट्रैफिक व्रैफिक में शायद थोड़ी मुझे प्रॉब्लम होगी। क्या हो गया इसे, ऐसे घूर रहा है इसकी बाइक चला रहा हूँ मैं तो मतलब थोड़ी दिक्कत होने वाली है। इसकी जो है सीट हाइट है ना भाई 855 mm की है, RC और ड्यूक्स की जो है वो थोड़ी कम रहती है, 830-835 mm ऐसे रहती है, तो आप समझ लो आपको 20 mm और ज़्यादा हाइट मिल रही है इसमें, तो काफ़ी दिक्कत हो शॉर्ट राइडर्स को दिक्कत होने वाली है, मतलब 5'2" 5'3" वाले जो हो गए मेरे भाई उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम होगी। अगर वो पहले से चला रहे हैं बाइक्स वगैरह तो मे भी शायद वो हैबिचुअल हो जाए, बट वैसे स्टार्टिंग में काफ़ी दिक्कत होगी। अब इस बाइक को थोड़ा खींच के देखेंगे भाई, कहाँ खींच के देखेंगे बताओ, कहाँ ओ बेबी सेकंड 50 ओ बढ़िया, यार देखो मैं RC 125 चलाता हूँ तो मेरे को तो परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी लग रही है कंपैरेटिवली है। और ये हम किस तरफ आ गए बट मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, बेबी यार कोई खाली रोड मिल नहीं रही है मेरे को, वरना भाई इसका मैं परफॉर्मेंस टेस्ट करके दिखाता आपको थोड़ा सा। और सेकंड गियर पे 70 की स्पीड, थर्ड गियर पे 90 है, इम्प्रेसिव बट लॉट ऑफ वाइब्रेशन इन माय फुट, बहुत वाइब्रेशन फील कर पा रहा हूँ मैं यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेशन है, मतलब टॉप एंड में समझ रहे हो हायर RPM से काफ़ी वाइब्रेशन मुझे फील हुई थी, बट खैर कोई नहीं है नॉर्मल सी चीज़ है यार, ऑब्वियसली बात है इंजन को अपने पीक परफॉर्मेंस पे ले जाओगे थोड़ी बहुत ऑपरेशन तो आपको देखने को मिल ही जाती है। तो भाई देखो फ्यूल इकोनॉमी के बारे में अगर मैं बात करूँ तो इसका 14.5 लीटर का टैंक है, जो कि अगर आपको फ्यूल इकोनॉमी अगर इसकी देखी जाए तो ऐसी आपको मिलती है भाई 30-20 के अराउंड, 30 KMPL के अराउंड, वो भी शायद मैक्सिमम मतलब बहुत ही अगर आप अच्छे से चला रहे हो तभी आपको 30 के अराउंड मिलेगी, वरना अब यार नॉर्मली अगर प्रैक्टिकल कंडीशन के बारे में बात करूँ तो कम ही मिलती है, समझ रहे हो ये सीन होता है। बाकी देखो इसमें सामने आपको देखने को क्या मिलता है, भाई 12 वोल्ट का यहाँ पे चार्जर मिल जाता है आपको, जिससे आप फ़ोन वोन कुछ भी चार्ज कर सकते हो, एंड या आई थिंक इधर है, मज़ा आ रहा है भाई वैसे कुछ भी हो यार टूरिंग वोरिंग के लिए, मतलब काफ़ी कंफर्टेबल बाइक है सच में। कॉर्नरिंग वगैरह करने में यार थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो लोग मेरे भाई मतलब RC वगैरह चलाते हैं ऐसा RC और ड्यूक हो गया तो उन्हें थोड़ी दिक्कत होगी इसको थोड़ा कॉर्नरिंग करने में, क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात है जैसे इतनी बड़ी बाइक है, इतनी बड़ी बाइक को आपको एकदम से घुमाओगे उगाओगे ना तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, ऑब्वियसली बात है खैर वो तो, क्योंकि यार बाइक की डायमेंशन है वो काफ़ी बड़ी है तो आपको जैसे थोड़ा मोड़ने में थोड़ी दिक्कत होगी, मतलब दिक्कत ऐसी दिक्कत नहीं कि आपको मुड़ेगी नहीं बट थोड़ा आपको कुछ डिफरेंट फील होगा। यार देखो क्या सीन होता है, हर बाइक का हर मशीन का अलग ही राइड फील होती है सच में, वो होनी भी चाहिए, और हर बाइक हर चीज़ एक जैसी चलेगी तो फिर भाई फ़ायदा क्या होगा दूसरी चीज़ चलाने का, समझ रहे हो ये सीन है। हाँ ये रहा भाई KTM शोरूम, अभी खाली सड़क है थोड़ा भाग के देख लेंगे, थर्ड गियर 45 स्पीड और ये रेस दी मैंने 50 70 वेरी गुड, फिफ्थ गियर पर भाई 106 पहुँच गई भाई, इजीली पहुँच गई, वैसे सच कोई मेरी दिक्कत हुई नहीं। हाँ यार परफॉर्मेंस देखो अच्छी है, डिसेंट परफॉर्मेंस है, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही मतलब बहुत अच्छी तगड़ी परफॉर्मेंस दे दी है KTM वालों ने,
देखो यार क्या है कि बजट में एडवेंचर टूर दे रही है आपको, ठीक है, तो आप इससे इतनी एक्सपेक्टेशन ना रखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और आपको ज़्यादा ही पैसे एडवेंचर टूर चाहिए तो ऑब्वियसली बंदा एडवेंचर 390 ले लेगा ना, इसे क्यों लेगा फिर। लेकिन थोड़ा सा तो यार आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जैसे कि आपको आर सी 200 आर सी 390 है, उसके बाद अगर R125 बंदा खरीदता है, क्यों खरीदता है, ये भाई शौक है, ठीक है, और माइलेज वाले से सब चीज़ देखनी है, तो इस वजह से R125 लेता है। सेम चीज़ इसका इसके साथ है। तो भाई आई होप मैंने सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दी होंगी। बाइक काफ़ी अच्छी है। एक ओवरऑल आपको बताऊँ, अगर आपको एडवेंचर टूरर का शौक है, ठीक है, और आपके मतलब पैसे हैं 3 लाख कह रहा हूँ, तो आप इसको ले लो। वरना भाई अगर मैं कहूँगा, मेरा पर्सनल जो एडवाइस ये रहेगी, आप भाई ड्यूक 250 लो। ड्यूक 250 में आपको मतलब परफॉर्मेंस वगैरह सब कुछ फाड़ मिलने वाली है एकदम अल्टीमेट, तो वो लेना। अगर मैं ऑब्वियसली भाई मैं आऊँगा तो मैं तो वही लूँगा, बाकी चॉइस इज ऑल योर्स, आप पे डिपेंड करता है, आपका पैसा है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। एंड या ऐसा कुछ फीचर है नहीं एक्स्ट्रा जो मैं बता पाऊँ, मैंने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं आई होप, मुझे ऐसा लगता है। और हाँ, जो 390 है ना भाई, 390 में आपको एक दो फीचर और मिल जाते हैं अच्छे अच्छे, जिसमें कॉर्नरिंग ABS भी है, प्लस में ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है आपको, तो वो काफ़ी अच्छी बात है। तो आई होप सारी चीज़ें भाई मैंने कवर कर ली हैं, कुछ रह गया तो भाई मुझे बता देना, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मेरे से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड या भाई इस ब्लॉग का करते हैं बैंड, बाइक को मैं अंदर खड़ी कर दूंगा मैं यहाँ पे। एंड मिलते हैं आपको सीधा नेक्स्ट किसी बेहतरीन से ब्लॉग के, तब तक आपको क्या करना भाई, कीप सपोर्टिंग, कीप लिविंग, स्टे ट्यून्ड टू GS2। बाय बाय भाइयों।